स्वस्थ है, पूर्ण विकसित है। अपने सामान्य रूप में आप पुत्र, तेरा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है पुत्र। देवी कद्रु ने सहस्त्र पुत्रों की इच्छा व्यक्त की है, किंतु आप केवल एक ही पुत्र चाहती। मेरे पुत्र को एक और साथी दे दीजिए स्वामी। तथास्तु। स्वयं नीलकंठ भगवान शिव जी ने एक यज्ञ के फल स्वरूप मुझे ये माला दी थी। इसे जो धारण करेगा उसे ऐसी प्रतापी संतान प्राप्त होगी जिसके नाम और यश की कीर्ति समस्त ब्रह्मांड में फैलेगी। भगवान विष्णु के प्रताप से होने वाली आपकी संतान का वर्चस्व संपूर्ण आकाश में स्थापित होगा। महाबुद्धिमान, महाबलवान, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो। 500 साल बाद जन्म लेने वाला आपका ये पुत्र, आपको इस दास्ता से मुक्त करवाने के लिए आकाश पाताल लेकर देगा मां। अपनी माँ के धैर्य की और कितनी परीक्षा लोगे तुम? क्या मेरी ममता तुम तक पहुंच नहीं रही? क्यों मेरी पुकार को अनसुना कर रहे हो? ऐसी कौन सी समाधि में लुप्त है प्रभु जो अपनी भक्त की पुकार आप तक पहुंच ही नहीं पा रही है? ना आपको इस माँ की पीड़ा दिखाई दे रही है, ना ही मेरी इन संतानों को। क्या हुआ माँ? और ये सब कौन है?
ये नाग हैं तेरे भाई और ये हैं तेरी बड़ी माँ और इन नाग भाइयों की माँ कदरू। प्रणाम बड़ी माँ। मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, वो मैं आपको और अपने भाइयों को पहचान नहीं पाया। वो तो अच्छा हुआ कि माँ समय से आ गई, पल दो पल की देरी हो जाती तो आप में से कोई मेरा प्रथम आहार बन जाता। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी माँ ऐसी भूल फिर कभी नहीं होने देगी, है ना विंता? जी। माँ आपको चिंतित लग रही है, क्या कारण है? तू कभी अपने होने वाले पुत्र को ये नहीं बताएगी कि तू मेरी दासी क्यों बनी और कैसे बनी। कुछ भी तो नहीं पुत्र, तू चल मेरे साथ चल, पहले नारायण का आशीर्वाद ले ले, चल आजा। आपकी दूर दृष्टि की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है माँ। यदि इसके जन्म से पहले आप छोटी माँ को अपनी दासता के बंधन में ना बांध लेती तो आज ना जाने क्या हो जाता। हे परम प्रभु श्री विष्णु, मुझे इस पुत्र के रूप में स्वयं अपना आशीर्वाद दिया है आपने। हर माँ की तरह मैंने भी अपने पुत्रों के लिए स्वप्न देखे थे, आशाएं संजोई थी, पर पहले पुत्र के जन्म लेते ही मुझसे दूर हो जाने के कारण मेरी आशाएं बिखर गई थी, वो सारे स्वप्न टूट गए थे। और अब 1,000 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद मुझे ये पुत्र मिला है तो मैं माँ बनने से पहले ही दासी बन चुकी हूँ। मुझे पता था प्रभु, जो मेरे भाग्य में है एक ना एक दिन मुझे भोगना ही होगा, बस ये नहीं पता था कि ऐसे इतना बड़ा आघात अपनी ही बहन के हाथों सहना पड़ेगा। पर अब अपने मन को शांत और मस्तिष्क को स्थिर रखने के लिए मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है प्रभु। मैं अपने दोषों से पहले पुत्र की रक्षा नहीं कर पाई, इसलिए अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरे इस पुत्र पर मेरी तो क्या संसार की किसी भी दोष की छाया ना पड़े। दासी पुत्र होने के बाद भी आदर्श बने, महान बने,
मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए प्रभु, इसे अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं नहीं जानता पर अनुभव कर सकता हूं कि मां को मेरे जन्म लेने की प्रसन्नता तो अवश्य है, पर कहीं ना कहीं इनका मन उदास भी है। मुस्कुराहट में अजीब सी झिझक है, माथे पर चिंता की रेखाएं हैं। हे प्रभु, मुझे इतनी भक्ति बुद्धि और शक्ति दीजिए कि मैं अपनी माँ की हर उदासी, हर चिंता, हर दुख को दूर कर सकूं। पुत्री विंता, शिव शंकर की पारिजात माला और महाविष्णु के परम भक्त बालखिल ऋषियों से आशीर्वाद प्राप्त करने वाला तेरा ये पुत्र पराक्रमी भी होगा और परोपकारी भी। ना तो ये किसी के साथ दुष्ट व्यवहार करेगा और ना ही किसी के साथ दुष्टता होने देगा। ऐसे अनेक असाधारण कार्य करेगा ये, जिनके कारण आने वाले युगों में समस्त संसार इसे धर्म योद्धा गरुड़ के नाम से जानेगा। गरुड़, मेरा पुत्र गरुड़, आयुष्मान भावा, यशस्वी भावा, जो संसार में सबसे अधिक स्नेह विंता से करती थी, उसी बड़ी बहन के द्वारा छल से दासी बनाए जाने के दुख से विंता हमेशा के लिए टूट चुकी थी। बताए गरुड़, तुम्हारी माँ बहुत विद्वान, बहुत बुद्धिमान हुआ करती थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास का ऐसा तेज तमकता हो, वही विंता भय की छाया में सदा सदा के लिए दासी बनकर रह जाएगी। और उनके साथ हुई घटना के कारण तो वो पहले ही टूट चुकी थी, और कदरू के निर्मम वार ने उसके कोमल से हृदय को चकनाचूर कर दिया था। तुम्हारी सुरक्षा करना जीवन का उद्देश्य बन गया था। अपने लक्ष्य को साधने के लिए कदरूस के भाई का उपयोग कर रही थी, तरह तरह की शारीरिक मानसिक दबाव डाले ताकि उसका आत्मविश्वास और उसका मनोबल पूरी तरह से टूट जाए, और यही हुआ। धीरे धीरे विंता स्वयं को भूलने लगी थी। बस उसे याद था तो सिर्फ अपने वचन का मान। तुम्हारी माँ के लिए उसका वचन ही परम सत्य है और सत्य ही धर्म है। तुम्हारी माँ वायु के बिना जीवित रह सकती है,
पर धर्म के बिना नहीं। इसलिए तो तुम्हारे इतने शक्तिशाली होने के बाद भी उसने अपना वचन निभाया है और भविष्य में भी निभाएगी, फिर चाहे वो कदर उसके प्राण क्यों ना ले ले। सत्य कह रहे हैं आप, मां के इन्हीं व्यवहारों के कारण मेरे मन में इतने सारे प्रश्न उत्पन्न हुए कि दोनों बहन होकर एक महारानी और एक दासी क्यों? मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी माँ। पर अब भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे हृदय में सुलग रहा है कि मैं अपनी मां के कष्ट मिटाने के लिए क्या करूं, कैसे दिलाऊं उन्हें इस दास्ता से मुक्ति। करुण, कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें स्वयं ही ढूंढने पड़ते हैं। मुझे जो कुछ पता था मैंने तुम्हें सब बता दिया। अब मुझे अपने पुत्रों के पास जाना होगा, वो घायल है, उन्हें मेरी आवश्यकता है, मुझे जाने दो। अवश्य जाने दूंगा दीदी माँ, परंतु एक वचन लेने के बाद। वचन दीजिए दीदी माँ कि मेरी अनुपस्थिति में आपका कोई भी पुत्र, असुर सेना का कोई भी योद्धा, कोई भी सैनिक अदिति माँ की तपस्या भंग करने का प्रयास नहीं करेगा। सब व्यर्थ हो गया। इस करुण के कारण ना तो मैं अपनी समस्या का अंत कर पाई और ना ही कदरों की। मैं तुम्हें वचन देती हूं, माँ सही कहती है, पर हम पिता श्री विष्णु रहस्यमय हैं, पर कृपा अवश्य करते हैं। यहां आकर ना केवल मुझे आपके दर्शन हुए अदिति माँ, पर अपने दानव भाइयों और अदिति माँ से भी भेंट हो गई। माँ पाताल भैरवी का आशीर्वाद मिला और आपकी तपस्या भंग हुए बिना ही मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए कि मेरी मां दासी क्यों और कैसे बनी। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी दास्ता को समाप्त करने का उपाय भी मुझे अवश्य मिलेगा। अदिति मां, मेरी इच्छा तो यही है कि मैं आपके सानिध्य में और रुकूं और आपकी तपस्या के दिव्य प्रकाश का लाभ प्राप्त करता रहूं। पर अब मुझे जाना होगा, मेरी मां और नियति मेरी प्रतीक्षा कर रही है। माँ को बिना बताए चला आया था, मेरी चिंता में कितनी व्याकुल होंगी वो और कितनी क्रोधित भी होंगी मुझसे। कैसे करूंगा उनका सामना।
विलाप कर रही है जैसे गरुड़ के प्राण ही चले गए हो। वाह, ये सोच कर ही कितना अच्छा लग रहा है। सच में यदि ऐसा हो जाए तो आनंद आ जाएगा। विंदा, दीदी, मैं जानती हूँ। पहले भी अनेक बार मैंने आपसे कहा कि मुझे उसकी चिंता हो रही है, पर आज मेरे गरुड़ को गहरी सांस लो, आराम से। अब बताओ क्या हुआ है। गहरी सांस लो, अच्छे से। मैंने बहुत बुरा स्वप्न देखा दीदी। जरूर जब मेरे पास वापस लौट रहा था तो अचानक बहुत सारे असुरों ने उसे घेर लिया। क्या? ठीक ठीक बता, क्या देखा तूने? गरुड़ ऊंचे आकाश में उड़ रहा था, तभी एक तीर उसके पंख में धस गया। तीर भीतर तक धस गया था और भूमि पर गिर पड़ा। उसने असुरों का सामना करने की चेष्टा की पर वो अकेला था। और असुर बहुत सारे, कोई उसके पंखों पर तीरों की वर्षा कर रहा था तो कोई उसकी चोंच को घाव पहुंचा रहा था। कोई उसके शक्तिशाली पंजों को तलवार से काट रहा था तो कोई उसकी आंखों को फोड़ रहा था। ये सब आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने भी अभी भी यही स्वप्न देखा है विंता। मैं जानती हूं मेरी बात पर विश्वास करना तेरे लिए कठिन होगा, किंतु सत्य तो यही है ना विंता। जन्म से पहले ही उस बालक ने मेरे मन मस्तिष्क पे एक अमिट छाप छोड़ दी थी, इसलिए एक अजीब सा जुड़ाव अनुभव करती हूं मैं उसके साथ। अब तक मैं ही तुझसे कहती रही कि तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा उसे, किंतु आप अब इस स्वप्न के बाद ये आश्वासन भी नहीं दे सकती तुझे मैं। तू तो जानती है ना विंता, जब ब्रह्म मुहूर्त में दो व्यक्ति एक ही स्वप्न देखते हैं
तो वो सपना बची। ऐसा मत कहिए दीदी। मेरे कहने ना कहने से सत्य बदल जाएगा क्या विंता? पहले तो तुमने अपने पुत्र पर नियंत्रण खो दिया, अब तो तुमने अपना पुत्र ही खो दिया। कितनी दुर्भाग्यशाली है तू। एक पुत्र अर्धविकसित उत्पन्न हुआ और दूसरा इतनी अल्पायु में उसने अपने प्राण गंवा दिए। ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा पुत्र, विंता और गरुण का मन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो अवश्य कि उसका स्वप्न स्वप्न नहीं सत्य है। और निश्चित ही गरुण पर आक्रमण दीदी ने करवाया होगा। ॐ यमाय सोममनुनुत यामाय जूताहविः यमम्ह यज्ञो गच्छति अग्निदूतो अरंकृतः। ॐ यमाय सोममनुनुत यामाय जूताहविः यमम्ह यज्ञो गच्छति अग्निदूतो अरंकृतः। ॐ यमाय सोममनुनुत यामाय जूताहविः यमम्ह यज्ञो गच्छति अग्निदूतो अरंकृतः। ॐ यमाय सोममनुनुत यामाय जूताहविः यमम्ह। गरुड़ के तन का आकार देखा है? तो पूरे वन की लकड़ियां भी कम पड़ जाएंगी। हाँ भूत नंदी, उसे जलाने के लिए तो पूरे महल का घी भी कम पड़ जाएगा। माँ, चलिए छोटी माँ। हाँ चलिए ना छोटी माँ, अब परंपरा के अनुसार ये कार्य तो अब आप ही को ही करना पड़ेगा ना। चलिए चलिए माँ। गरुण का श्राप होगा तो उसकी ताकत कम होगी। ये ले डाल। अब आप दिवंगत का नाम बताइए, जिनकी मृत्यु हुई है उनका कुल और नाम बताइए। समस्त संसार इसे धर्म योद्धा गरुड़ के नाम से जानेगा। कश्यप पुत्र गर्व, कश्यप
करुण, मेरा करुण। माँ, तुझे कोई घाव नहीं लगे तो ठीक है। असुरों से बच कैसे गया ये? माँ ने तो कहा था कि असुरों को कोई पराजित नहीं कर पाएगा, फिर ये जीवित कैसे बच गया? तो ठीक है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको बिना बताए यहां से चला गया था। मां, मैं जानता हूं मैंने आपको बहुत दुख दिया है, आपका क्रोधित होना भी उचित है। मां मेरी बात तो सुनिए, मां मैं विवश था। बहुत बड़ी गलती हो, मुझे क्षमा कर दीजिए। जानबूझकर किया गया कार्य भूल नहीं अपराध कहलाता है। जब पता था ना कि मैं तुझे महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दूंगी, इसलिए तूने मुझसे झूठ बोला। मां झूठ नहीं बोला, सत्य छुपाने का अपराध अवश्य किया है, पर मैं विवश था। मां ऐसी क्या विवशता थी? पूछ इससे कहां गया था ये? कदरू ने विंदा को छल से दासी बनाया था, मेरा ही है, मेरे ही अधिक लाड ने बिगाड़ दिया था तुझे। मुझे लगा था तू मेरे प्रेम से बंधा है, मुझसे दूर नहीं जाएगा। विश्वास था मुझे तू कहीं भी क्यों ना हो मेरी एक पुकार पर वापस लौट आएगा, पर वो भ्रम था मेरा। माँ,
प्यार है माँ। दुमन, ये असुर तो बड़े भीषण होते हैं ना। हाँ तब तो मैं भी वही सोच रहा था, पर ये गरुड़ उनसे बचकर कैसे वापस आया? पर मैं कुछ और सोच रहा था, यदि गरुड़ इतना ही शक्तिशाली है कि असुरों की पूरी सेना को हरा कर लौट आया तो अपनी माँ से क्यों पिटता रहता है? दोनों अभी के अभी चुप नहीं हुए ना, तो मेरे ही हाथों पिटोगे। अपना क्रोध इन पे मत निकाल काली। माँ, आपको क्या लगता है, उसे सत्य पता है? मैं जानता हूं आप मेरे लिए इतनी चिंतित क्यों होती हैं। पहला पुत्र अर्धविकसित उत्पन्न हुआ और सदैव के लिए आपसे दूर चला गया। कहीं दूसरे पुत्र को भी कुछ ना हो जाए, इस कल्पना से ही घबरा जाती हैं आप। पर अब आपको ऐसे भयभीत रहने की आवश्यकता नहीं है। झूठ के बादल छट चुके हैं, सत्य का सूर्योदय हो चुका है। मैं जान चुका हूँ कि आपको दासी छल से बनाया गया था, और अब मैं इस छल का जाल तोड़ूंगा। मैं आपको दासता से मुक्ति अवश्य दिलाऊंगा माँ। जीवन को जीव दिया तूने माँ, संसार से परिचय कराया तूने माँ। उन ईश्वर से भी लड़ जाऊंगा जो तू मुझसे। मुझे पता है गरुड़, तू अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने गया था। मैं ये तो नहीं जानती कि तुझे तेरे उत्तर मिले या नहीं, पर ये अवश्य जानती हूँ कि कोई भी प्रश्न और कोई भी उत्तर मेरे उस वचन को नहीं तोड़ सकता जो मैंने कद्रू दीदी को दिया था। तेरे आंचल के कोने में मेरा। विंता अपने प्राण त्याग देगी, किंतु अपना वचन कभी नहीं तोड़ेगी, ये भली भांति जानती हूं मैं। और अब इस आश्वासन के सहारे मैं हाथों पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। उस गरुण की आंखों में मैंने अपने लिए क्रोध, खड़ा और तिरस्कार देखा है। उस दिन तो मैंने उसे दंड देकर चुप करवा दिया था, किंतु अब मात्र दंड से कार्य सिद्ध नहीं होगा। कोई ना कोई जानकारी उसे अवश्य है जो नहीं होनी चाहिए थी। अब अपनी अगली चाल निर्धारित करने से पहले मेरे लिए जानना आवश्यक है कि उसे क्या पता। माँ, जीवन को जीव दिया तूने माँ, संसार से परिचय कराया तूने माँ। उन ईश्वर से भी लड़ जाऊंगा जो तू मुझसे रूठ जाए माँ। अपना हर सुख तूने मुझको दिया, मेरे हर दुखों को हर लिया तूने माँ, लिया तूने माँ। तेरे आंचल के कोने में मेरा। संसार है माँ।
क्या हुआ? माँ नहीं मानी, मानेगी भी नहीं, क्योंकि इस बार तूने केवल उसकी अवज्ञा नहीं की है, मेरी भी की है, और वो अच्छे से जानती है कि इस बात का कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा तुम दोनों को। घूर क्या रहा है? पिछली बार जो तूने दुस्साहस किया था उसका क्या परिणाम मिला था तुझे? भूल गया है? मुट्ठी बीच रहा है, आक्रमण करेगा मुझ पे? क्या किया है मैंने? किस बात का क्रोध है मुझ पर? आवेश में दांत पीसना बंद कर और बता, सत्य का पता करने गया था ना तू? क्या पता चला तुझे? ये पता चला कि कैसे तेरी मां ने तेरे भाई को अर्धविकसित रूप में जन्म लेने के लिए विवश कर दिया था? क्या फिर ये पता चला कि कैसे उसने शर्त लगाने के अवगुण के कारण तेरा और अपना जीवन दांव पर लगा दिया था? ये मुझे उकसाने का प्रयास कर रही है ताकि मैं आवेश में आकर वो कर जाऊं जो ये मुझसे करवाना चाहती है, पर मैं इनकी चाल का मौरा नहीं बनूंगा। अभी मुझे केवल ये पता चला है कि माँ इनकी दासी कैसे बनी, ये नहीं पता चला कि मैं उन्हें दासता से मुक्त कैसे कराऊं। इसलिए पहले मुझे उपाय खोजना है, फिर सही समय पर सही तरह से लक्ष्य प्राप्त करना है, पर उसके लिए मुझे अभी सूझबूझ का परिचय देना होगा। इसका अर्थ है तू मुझे सत्य नहीं बताएगा? ठीक है, मैं ही तेरी मां को जाके सत्य बता देती हूं कि तू कहां गया था। अपने प्रभु विष्णु जी को जितना प्रसन्न करना है तुझे कर ले विनता, पर मूर्खता करने पर प्रभु एक ही बार सहायता करते हैं, बार बार नहीं। क्या कहना चाहती हैं आप? तुझे क्या लगता है तेरा मेरा स्वप्न पूरा क्यों नहीं हुआ? कि तेरी पूजा का फल था, तेरे पुण्य कर्म थे जो आज तेरा पुत्र जीवित है, वरना होना तो वही था जो तूने और मैंने स्वप्न में देखा था। क्या क्या लगा था तुझे? तेरा पुत्र भ्रमण पर गया था या संसार देखकर लौटा है? असुरों की सेना के साथ युद्ध करके आया है तेरा पुत्र। गरुड़ अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए अदिति दीदी तक पहुंच गया था। जहां उनकी तपस्या को भंग करने के लिए असुर सेना गई हुई थी। पर तेरा मूर्ख पुत्र बिना अपने प्राण की परवाह किए उस सेना को रोकने की मूर्खता कर रहा था।
वज्रांग ने युद्ध स्थल से उसको हटाने के लिए अपना दूध भी भेजा। जाओ जाओ चले जाओ। किंतु इसने इस तप की रक्षा का लिया है मैंने संकल्प, युद्ध भी अवश्य करूंगा यदि ना रहा कोई विकल्प। बालक समझकर वज्रांग स्वयं उसे समझाने गया था, किंतु समझने के स्थान पर उसने असुर सेना के सेनापति वज्रांग को ही चुनौती दे दी। मैं बल का प्रयोग नहीं करना चाहता, आपके पास विकट दैत्य इतनी बड़ी सेना है, किंतु मैं भी दुर्बल नहीं। ये सब उसने तुझसे ही सीखा है ना विंता? अदिति के तप स्तर पर रक्षा रेखा खींच दी और उस रक्षा रेखा को पार करने के लिए सेना को ललकार दिया। यदि आपकी सेना का कोई एक भी योद्धा इस रेखा को पार कर लेगा, मैं स्वयं अपनी हार मार कर यहां से चला जाऊंगा। विश्वास नहीं हो रहा ना तुझे कि तेरा पुत्र सत्य में इतना मूर्ख है? वज्रांग ने उसे प्रेम से बहलाने फुसलाने का भी प्रयास किया, भोजन भेजा उसके लिए, किंतु उसने क्या किया? ऐसे ही आंसू बहाएगी? यदि समय रहते तो उन्हें अपने पुत्र को नहीं समझाया, इतना कुछ होने के बाद भी वो नहीं रुका, अपने प्राणों को दांव पर लगाकर एक के बाद एक असुर से युद्ध करता रहा वो। यहां तक कि स्वयं पाताल भैरवी भी आई थी उसे वज्रांग के मार्ग से हटाने के लिए, किंतु गरुड़ ने उनके क्रोध की परवाह नहीं की, अपना स्थान नहीं छोड़ा। अदिति दीदी के तप की रक्षा के लिए डटकर खड़ा रहा तेरा मूर्ख पुत्र। तू मारा जाएगा गरुड़। यदि यही मेरी नियति है तो फिर मैं चाहकर भी इसे बदल नहीं सकता। और जब स्वयं पाताल भैरवी ने उसके प्राण लेने का निश्चय किया तो अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने की विनती करके शिव शंकर की पूजा करने लगा। अब भस्म से त्रिपुंड बना। तुझे तेरे पुत्र को और भी अनुशासन में रखना होगा विंता, ताकि वो ऐसी मूर्खता कभी ना करे। वो तो मेरे कहने पर दीदी वहां गई और समय रहते उसने युद्ध को रोक दिया, वरना तेरा पुत्र आज जीवित नहीं होता। भला परोपकार करने के लिए अपने प्राण संकट में डालने की मूर्खता कौन करता है? अब आएगा आनंद। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मैं इतनी बड़ी भूल फिर कभी नहीं करूंगा। पर मैं चाहती हूँ तू ऐसी भूल बार बार करे। मुझे गर्व है तुझ पर, तूने धर्म की रक्षा कर मेरे दिए हुए संस्कारों की लाज रखी है पुत्र। मुझे तो लगा था कि मेरी बातें सुनकर विंता गरुड़ को दंड देगी, किंतु ये क्या हो रहा है? आपको सत्य पता चल गया माँ,
दीदी दीदी ने कदरू दीदी को बताया और उन्होंने मुझे कि कैसे तूने अदिति दीदी की तपस्या की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया। मेरा पुत्र इतना बड़ा हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। तो बड़ी माँ को केवल मेरे अदिति माँ तक पहुंचने के बारे में ही पता है और कुछ नहीं। तूने इतना बड़ा परोपकार किया, मेरे संस्कारों की लाज रखी और मैंने तुझे माँ, आप माँ है मेरी, जो भी करती है मेरे भले के लिए तो करती है। और वैसे भी माँ के हाथों से मार खाने का सौभाग्य तो बहुत भाग्यशाली संतानों को ही प्राप्त होता है। और यदि एक बार मार खा लो तो बहुत देर तक भूख भी नहीं लगती। कैसी माँ हूं मैं? तू इतने समय बाद इतनी लंबी यात्रा करके आया है और मैंने तुझसे ये तक नहीं पूछा कि तुझे भूख लगी है कि नहीं। तू चल अभी मेरे साथ चल, मेरे सामने आँखें करके अपना आहार कर। मेरा बनाया भोजन तेरी भूख नहीं मिटा सकता तो क्या हुआ, मैं तुझे खाते देख प्रसन्न तो हो सकती हूँ ना? सच में आप मेरे साथ चलेंगी? तो फिर अभी चलिए, मुझे पता है मेरी यात्रा के बारे में आपको बहुत कुछ बताना है। माँ मैंने बहुत कुछ नया देखा, बहुत जाना, सब कुछ समझा, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। अभी ये किस यात्रा की बात कर रहा है और ये विंता को क्या बताना चाहता है? मुझे बहुत कुछ बताना है आपको माँ, चलिए। अवश्य गरुड़ को मेरे सत्य के विषय में कुछ ना कुछ ज्ञात है, किंतु क्या हो सकता है दीदी को इस विषय में कुछ ज्ञात हो? धीरे, तेरी माँ को अभ्यास नहीं है इतनी ऊंचाई का। महाप्रभु विष्णु, मेरे जीवन को इस पुत्र के रूप में साक्षात आनंद से भर दिया है आपने, अपना आशीर्वाद हम दोनों पर सदैव बनाए रखिएगा। क्या हुआ कदरू, इतनी शीघ्रता में क्यों बुलाया मुझे? ये देना था तुम्हें। कहना क्या चाहती हो तुम? गरुड़ को कैसे पराजित किया जा सकता है, इसका भेद मैंने ही तुम्हें बताया था ना। फिर भी वो पूरी असुर सेना को हराकर सकुशल वापस लौट आया है। इसका अर्थ तो यही हुआ ना, तुम्हारे पुत्रों को, विशेष रूप से वज्रांग को बहुत हानि पहुंची होगी। तन के घाव तो ये औषधि दूर कर देगी, किंतु जो आत्मविश्वास घायल हुआ है उसे कैसे ठीक करोगी तुम? तुम्हें मेरे पुत्रों के लिए विचलित होने की आवश्यकता नहीं है कदरू। चिंता ही करनी है तो अपनी और अपने पुत्रों की करो, क्योंकि बल और बुद्धि दोनों में ही देव रह करोड़। यदि इतना जानने के बाद भी उसने अब तक कुछ नहीं बताया तो एक ही अर्थ हो सकता है
क्या क्या करने वाला है वो? और इतना जानने के बाद भी ऐसा क्यों कहा तुमने? क्या जानता है वो? स्वयं क्यों नहीं पूछ लेती जाकर अपनी दासी और उसके पुत्र से? और हाँ, यदि उन दोनों ने सत्य नहीं बताया तो समझ जाना कि विद्रोह के बीज जड़ पकड़ चुके हैं। तो क्या करूं? सब कुछ जानता है। यदि हाँ तो अब तक शांत क्यों है? क्या उसका ये मौन किसी बहुत बड़ी आंधी का सूचक है? ये तो वही स्थान है जहां आपने मुझे संस्कार दिए थे। मैंने तो केवल इस धागे में गांठें लगाई, पर तूने मेरी हर बात पर अपने मन में गांठ बांधी, मेरे वचनों को स्मरण रखा और उन्हीं के अनुरूप कर्म किया। मैंने जो सिखाया पूरी गंभीरता से तूने उसका पालन किया। तो उसका पालन ना करने का भी विकल्प था क्या मेरे पास? ये बात मेरे मस्तिष्क में आई कैसे नहीं? माँ, आपके मुंह से निकला हर एक वचन मेरे लिए ईश्वर की वाणी है, जिसकी उपेक्षा करना संभव ही नहीं है। मैं बस यही चाहता हूँ माँ, कि आप सदैव ऐसे ही मुस्कुराती रहें, सदैव प्रसन्न रहें, सुखी रहें। जब तक तू मेरे पास है मैं हर परिस्थिति में सुखी ही रहूंगी। हमारी मां दीदी ने इसे वचन दिया था कि हम असुर देव माता अदिति को सुरक्षित छोड़ देंगे, पर यह वचन नहीं दिया था कि हम इस पक्षी और इसकी मां पर आक्रमण नहीं करेंगे। हमारी मां दीदी ने इसे वचन दिया था कि हम असुर देव माता अदिति को सुरक्षित छोड़ देंगे, पर यह वचन नहीं दिया था कि हम इस पक्षी और इसकी मां पर आक्रमण नहीं करेंगे। अब जा तू अपना आखेट कर ले, मैं यहीं बैठकर विष्णु जी का ध्यान करती हूँ। अवश्य, पर उससे पहले आप अपनी आंखें बंद कर दीजिए। आंखें बंद कर लूं? हाँ कीजिए ना माँ। माँ, बहुत दिनों से आपकी सेवा नहीं की थी, ना आपके लिए जल लाया, ना रात में पंखा जला, ना आपके चरण दबा पाया। आपकी सेवा के बिना जीवन अधूरा सा लगता है माँ। एक बार संतान बड़ी हो जाए, समर्थ हो जाए, फिर तो वो अपने माता पिता का मुख भी नहीं देखती। और एक ये मूर्ख है, स्वयं को अपनी माता की सेवा में न्योछावर कर रखा है इसने। तभी तो हमारे साथ युद्ध में हर समय
माँ माँ की रट लगा रखी थी इसने। अब आ गया दीजिए। अब मिला प्रतिशोध लेने का अवसर। यहां तो आहार के लिए कोई भी जीव नहीं दिख रहा। मां मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। ये मेरी माया का चमत्कार है गरुड़। मैंने सभी जीवों को तुम्हारी दृष्टि से ओझल कर दिया है। आज तू किसी भी जीव का भोजन नहीं कर सकता है, बल्कि तू स्वयं बनेगा किसी का भोजन। हे भोलेनाथ, हे दीनानाथ, मेरी सहायता कीजिए। हे भोलेनाथ, मेरी सहायता कीजिए। अपने भक्तों पर कृपा कीजिए। हे भोलेनाथ, अपने भक्तों की सहायता कीजिए। हे दीनानाथ, मुझ पर दया कीजिए। तुम कौन? भयभीत मत होइए, मैं आपकी सहायता करने के लिए आया। तुम कौन हो बालक? तुम मेरी क्यों सहायता करना चाहते हो? बस आप यही समझ लीजिए कि मैं भी आप ही की तरह एक भक्त हूँ। और रहा प्रश्न आपकी सहायता करने का, तो मेरी माँ कहती है जब भी परोपकार करने का अवसर मिले तो हिचकिचाना मत। भोलेनाथ, तुम्हें आशीर्वाद दें बालक, बस मेरा एक काम कर दो, इस मटके में जल भरकर मेरी कुटिया तक छोड़ दो। बस इतनी सी बात? मैं अभी गया और अभी आया। लाइए। अंततः गरुड़ फंस ही गया मेरे जाल में। ये स्वयं ही मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। वासुदेवाय। ये संघर्ष तेरी मृत्यु की आहट है गरुड़। ओम नमो भगवते वासुदेव। करुड़, अब तक तो उसे लौट आना चाहिए था। वो ठीक तो है? कहाँ रह गया? मैं उसकी प्रतीक्षा में यूं बैठी नहीं रह सकती। मुझे अपनी मन की आंखों से ढूंढना होगा उसे।
करुण, माँ आप यहाँ? करुण तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं है? माँ मैं ठीक हूँ, मैं बस अभी आया। करुण तू उसका पीछा क्यों कर रहा है? तू भूमि और आकाश का वासी है जबकि वो मकर जलचर है। जल में उसकी शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। माँ आप सत्य कह रही हैं, पर आप ही ने मुझे सिखाया था कि जब भी भूख लगे तो प्रयास करना किसी दुष्ट प्राणी को ही मारा जाए ताकि अन्य सभी निर्दोष प्राणियों की रक्षा हो सके और प्रकृति का संतुलन भी बना रहे। माँ यदि आज इस मकर को मैंने छोड़ दिया तो भविष्य में इसके जैसे अनेक दुष्ट यहाँ आकर उत्पात मचाएंगे और सामान्य जन का जल पीना भी असंभव हो जाएगा। माँ मुझे जाने दीजिए। यमराज को इतनी प्रतीक्षा मत कराओ मगरराज, शीघ्र ही शिकार करो इस पक्षी का। मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए प्रभु। ओम विष्णुवे नमः। ये सब इसी का षड्यंत्र था। दुष्टों को कितना भी समझाओ ना सुधरते हैं ना संभलते हैं। अब शांत हुई तेरी भूख? बुराई का नाश करके केवल भूख ही नहीं मन भी शांत हो गया माँ। चल अब घर चलते हैं, कदरू दीदी प्रतीक्षा कर रही होंगी। और माँ वो शेष बातें हम घर चल के करेंगे। गरुड़ चल अब। ये भी अवसर हाथ से निकल गया, किंतु मुझे शीघ्र ही माँ को बड़ी माँ की मंशा से अवगत करना होगा। ये दोनों माँ, यदि गरुड़ को सारा सत्य पता चल चुका है तो फिर वो अभी तक मौन क्यों है? मैं भी वही सोच रही हूँ तक्षक। कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों माँ पुत्र भोजन के बहाने हमें ही भोजन बनाने का षड्यंत्र रच रहे हो? मुझे कैसे पता होगा कालिया? आपने इतना पूछा फिर भी गरुड़ कुछ नहीं बोला, क्यों माँ? हाँ माँ, अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि उसे क्या पता है कितना, तो उसे नियंत्रण में कैसे रख पाएंगे? प्रश्न प्रश्न प्रश्न, तुम लोगों को केवल प्रश्न पूछने के लिए जन्म दिया है ना मैंने। एक वो गरुड़ है जो अपनी माँ के लिए आकाश पाताल एक कर रहा है और तुम लोग उल्टे सीधे प्रश्न करके मेरी चिंता बढ़ा रहे हो। जब कुछ करते तब भी डांट पड़ती है और जब कुछ नहीं करते तब भी डांट पड़ती है। माँ माँ वो आ गए।
ये घाव कैसे लगे तुझे? कुछ नहीं माँ, वो आंखें करते समय थोड़े बहुत घाव तो लग ही जाते हैं। मुझसे छुपाएगा? किसी मकर में इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुझे घाव दे पाए। ये घाव तो मैंने तुझे माँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। कैसे नहीं हुआ? तुझसे बिना कुछ पूछे इतना मारा और तू भी चुपचाप मार खाता चला गया। इतने विकट असुरों से युद्ध करके आया, तुझे कुछ नहीं हुआ और मेरे मारने से इतने घाव। ये संसार में किसी के भी प्रहार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता मुझ पर, और जब आप मारेंगी तो कष्ट होगा ना माँ? तू चल भीतर चल, मैं औषधि का लेप लगा देती हूँ। आजा चल। यदि विंता को पता होता कि उसका पुत्र केवल असुरों से युद्ध करने नहीं बल्कि उसके अतीत का सत्य जानने गया है तो उसका व्यवहार इतना सामान्य नहीं होता। इसका अर्थ है करुण ने अपनी यात्रा के विषय में अपनी मां को कुछ नहीं बताया। पर क्यों? मां मुझे दीजिए, मैं पीसता औषधि। लाइए। नहीं, चोट भी खाएगा और औषधि भी स्वयं बनाएगा तो माँ क्या करेगी? पर माँ, गरुड़, जैसे तुझे मेरी सेवा करके आनंद मिलता है वैसे ही मुझे भी तेरे लिए कुछ करके प्रसन्नता मिलती है। तू अपनी माँ को प्रसन्न नहीं देखना चाहता? जा वहां जाकर बैठ जा। सोचा था भोजन करते समय माँ को अपनी यात्रा के विषय में सब बता दूंगा, पर अवसर ही नहीं मिला। और अब तो बहुत रात हो गई है, माँ भी थक गई होंगी। औषधि लगा रही हूं तो जलन हो रही है, जब मार रही थी तब तो आ तक नहीं की। उस समय तो मेरा पूरा ध्यान आपके दुख पर था ना माँ? तो अब भी अपना ध्यान कहीं और केंद्रित कर ले। चल बता, तुझे कैसे पता चला कि अदिति माँ कहाँ तपस्या कर रही हैं और उन्हें तेरी सहायता की आवश्यकता है? वो तो मुझे प्रभु श्री विष्णु के संकेत से पता चला था। प्रभु श्री विष्णु के संकेत से? यही उचित अवसर है माँ को सब सत्य बताने का। मैं आपको आरंभ से सब कुछ बताता हूँ। क्या हुआ, तू इतना गंभीर क्यों हो गया? ऐसा क्या बताने वाला है तू? माँ, मैं आपकी दास्ता की कथा जानने के लिए आपको बिना बताए वैकुंठ गया था। वैकुंठ? पर वहां कोई भी प्राणी इस देह के साथ नहीं जा सकता। यदि माँ का आशीर्वाद साथ हो तो असंभव भी संभव है। माँ स्मरण है, आपने मुझे 7 और दो लोगों के बारे में बताया था, मैं एक एक करके सबके पार गया। और दूर से ही सही पर ब्रह्म लोक में मुझे पिताजी के दर्शन हुए माँ। सत्य? हाँ माँ, पिताजी के मुख पर जो तेज था ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। वो तेज
उसकी आभा सबसे अलग है पुत्र। ऋषियों में सर्वप्रथम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब उनका सम्मान करते हैं। उनकी अर्धांगिनी होना मेरे लिए गर्व की बात है। और तू भी बहुत भाग्यशाली है पुत्र कि तू उनका पुत्र है। सत्य कहा आपने, मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूं। पता है मां, पिताजी को देखकर जब मैं मंत्रमुग्ध हो गया था तो उन्होंने मुझसे क्या कहा? पुत्र गरुड़, एक बार किसी कार्य को करने का निश्चय कर लो तो फिर मन को भटकने नहीं देना चाहिए। जाओ और अपने लक्ष्य को पूरा करो। इसका अर्थ है स्वामी ने गरुड़ की इस सत्य जानने के लिए की गई यात्रा का समर्थन किया। तेरे पिता सांसारिक विषयों में आसक्त नहीं होते, उनसे उदासीन रहते हैं, पर फिर भी तुझे यात्रा के लिए आशीर्वाद दिया, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। माँ, पिताजी के वचनों से उत्साहित होकर मैं और ऊपर उड़ा। फिर जब मैं वैकुंठ पहुंचा तो एक भयंकर काले नाग ने मेरा मार्ग रोक लिया। अनंत, मेरा पुत्र शेष नाग। माँ, मैं तो शेष भैया को जानता था पर वो मुझे नहीं जानते थे। उन्हें ऐसा लगा कि कोई असुर प्रभु विष्णु की तपस्या को भंग करने के लिए आया है, इसीलिए उन्होंने मुझ पर आक्रमण किया। पर फिर एक बार आपने मेरी रक्षा की। क्या संबंध है तुम्हारा विंता माँ से? ब्रह्मपुत्र कश्यप और दक्ष प्रजापति की पुत्र माँ विंता का पुत्र हूं मैं, गरुड़। शेष नाग ने मेरा पुत्र होते हुए भी इस विंता का साथ दिया। इतने वर्षों से उसे देखा नहीं है, वो सकुशल तो है? हाँ माँ, शेष भैया बिल्कुल ठीक है। इतनी दूर होकर भी वो प्रतिदिन आपको और बड़ी माँ को स्मरण करते रहते। अब पता है माँ, प्रतिदिन वो प्रभु विष्णु से भी पहले बड़ी माँ का नाम लेकर अपना दिन आरंभ करते हैं। कद्रू दीदी ये सुनकर बहुत प्रसन्न होंगी। वो बताती नहीं है पर मैं उनके हृदय को जानती हूँ। अनंत और वासुकी के दूर चले जाने के कारण वो बहुत दुखी हो गई थी। जहां जाना चाहते हो जाओ, जहां जाओ सुखी रहना। बड़ी माँ और आपके आशीर्वाद से शेष भैया की तपस्या सफल हो गई थी माँ, और वो वैकुंठ भी पहुंच गए थे, पर अभी तक उनकी भेंट प्रभु श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी से नहीं हो पाई, क्योंकि माँ लक्ष्मी के समुद्र में समा जाने के बाद प्रभु श्री विष्णु तपस्या में लीन हो गए माँ। क्या प्रभु विष्णु के दर्शन मिले तुझे? दूर से ही सही, पर मुझे प्रभु विष्णु के दर्शन मिले माँ। तो बोलना, कैसे दिखते हैं मेरे प्रभु? उनके निकट होने पर जिस दिव्यता, जिस पवित्रता का आभास होता है उसका वर्णन शब्दों में करना संभव है माँ, पर आपका आदेश है तो प्रयास अवश्य करूंगा।
प्रभु तपस्या में लीन है माँ। उनके आभूषणों ने अपनी चमक खो दी है क्योंकि समस्त ब्रह्मांड श्रीहीन हो गया है। ऐसी स्थिति में भी उनके व्यक्तित्व से ऐसी आभा प्रकट होती है माँ जिसमें सहस्त्र सूर्यों से भी अधिक प्रकाश है, पर ना तपन है ना जलन, बस शीतलता है, सौम्यता की अद्भुत शीतलता। माँ आपको स्मरण है आपने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मुझे प्रभु श्री विष्णु की भक्ति का सौभाग्य मिले। जब मैंने उन्हें देखा तब मुझे समझ आया कि आपके उस आशीर्वाद के पीछे मेरे सुख की कामना छिपी थी। ये सुनकर मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है गुरु। अल्पायु में ही तुझे प्रभु श्री विष्णु के साक्षात दर्शन हो गए, ये मेरे लिए गर्व की बात है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी वर्षों की तपस्या का फल मिल गया हो मुझे। बस अब तुझे किसी की बुरी दृष्टि ना लगे। कब तक इधर उधर की बातों में समय नष्ट करता रहेगा? मुझे तो बस ये जानना है कि शेष नागनी से मेरे और विंता के बारे में क्या बताया है। करुण, अनंत ने क्या कहा तुझसे? एक ना एक दिन तो सत्य सामने आना ही है पुत्र। शेष भैया ने मुझे सब कुछ बताया मां, आरंभ से कि कैसे आप और बड़ी मां के मध्य स्नेह था, आप पर प्राण न्यौछावर करती थी वो, अस्वस्थ होने पर रात रात भर जागकर आपकी सेवा करती थी, पर जिस दिन महर्षि दुर्वासा ने अपनी परिजात माला उनके स्थान पर आपको दे दी, उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। इसे जो धारण करेगा उसे ऐसी प्रतापी संतान प्राप्त होगी जिसके नाम और यश की कीर्ति समस्त ब्रह्मांड में फैलेगी। बड़ी मां के मन में आपके प्रति ईर्ष्या ने जन्म ले लिया। और मैं समझ ही नहीं पाई। अवगुण ऐसे ही होते हैं मां, समय रहते हम उन्हें पहचान नहीं पाते, कभी कभी हम स्वयं उसका शिकार बन जाते हैं और हमें आभास भी नहीं होता। जैसे कि मेरे और अरुण भैया के जन्म से पहले नागों के जन्म के कारण आप भी ईर्ष्या का शिकार बन गई थी। और आपको पता भी नहीं चला था। अब मुझे ज्ञात करना ही होगा कि डिमो के भीतर मेरी संतान पल रही है या नहीं। मैंने अरुण के डिम के साथ जो पाप किया था इसे उसके बारे में पता है। माँ मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। कब आपकी ममता ईर्ष्या में बदल गई आपको भान तक नहीं हुआ, और इसमें केवल आपका दोष नहीं था माँ, अति सौभाग्यशाली पुत्रों की माँ होने का वरदान मिला था आपको, और इससे बड़ी माँ असुरक्षित अनुभव कर रही थी और इसीलिए उन्होंने आपके मस्तिष्क में संदेह के इतने बीज बो दिए कि आप ठीक से कुछ समझ ही नहीं पाई
और फिर जब क्रोध में आकर अरुण भैया ने आपको भीषण श्राप दिया, आपने उसे अपनी नियत मान लिया, फिर आपने जो किया उसके कारण अपराध बोध में आप इतनी अधिग्रस्त हो गई थी माँ कि उचित निर्णय लेने में असमर्थ हो गई थी, इसीलिए बड़ी माँ के बिछाए हुए जाल को आप देख नहीं पाए और बस उसमें फंसती चली गई। और फिर अरुण भैया के अर्धविकसित स्वरूप में जन्म लेने का पूरा दायित्व तो आपने अपने ऊपर ले लिया और बहुत ही शीघ्र बड़ी माँ को क्षमा कर दिया, जबकि बड़ी माँ क्षमा के योग्य ही नहीं थी। जो हुआ उसके लिए मैं कदरू दीदी को दोष नहीं देती, त्रुटि तो मेरी है ना। ये सब अनंत ने कहा तुझसे? नहीं माँ, शेष भैया को तो अरुण भैया के जन्म के बाद की घटनाओं के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मुझे भी एक पल के लिए ऐसा लगा कि आपकी दासी बनने के कारणों को जानने का जो मेरा प्रयास है ये बस अब असफल रह जाएगा, पर प्रभु श्री विष्णु ने मुझे संकेत दिया कि मैं अदिति माँ के पास जाऊँ। उनकी तपस्या के समय जो हुआ वो तो आपको बड़ी माँ कह चुकी है, किंतु आपको ये नहीं पता माँ कि उस युद्ध में अंत में वज्रांग मेरे सामने असहाय हो गया था। ऐसा क्या हुआ था जो वज्रांग गरुड़ के सामने असहाय हो गया था? रुक जा पुत्र, रुक जा। फिर जब उसे छुड़ाने के लिए दीति माँ वहां पहुंची तो मैंने हट कर दी। मैंने वो सब कुछ जान लिया दीति माँ से जो शेषनाग भैया नहीं जानते थे। जब तक हमें उसके सामर्थ्य का अनुमान पूर्ण रूप से नहीं लग जाता, हमें विंता को जीवित रखना होगा। केवल विंता ही है जो अपनी संतान को नियंत्रित करेगी। तो दीति ने बताया है इसे मेरा सत्य। मां आप नहीं जानती कि बड़ी मां ने आपके साथ विश्वासघात किया था, आपके शर्त लगाने के अवगुण का लाभ उठाकर उन्होंने छल किया आपके साथ मां। उस घोड़े उच्छा शवा की पूंछ काली नहीं श्वेत थी। और ये सिद्ध करने के लिए उनके पुत्र नाग के रूप में उसकी पूंछ से लिपट गए थे, अर्थात आपको पता था कि आपके साथ छल हुआ है? प्रारंभ में नहीं पता था। जब उन्होंने कहा कि मैं अपना वचन ना तोड़ूं, इसके लिए आजीवन उनकी दासी बनने की सौगंध लेनी होगी, तब मैंने अपने निकट उनके 1,000 पुत्रों को नाग के रूप में सरकते देखा। तभी मैं समझ गई थी कि कद्रू दीदी वो शर्त कैसे जीती थी। फिर भी आपने उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा, वो शर्त आप जीती थी माँ, फिर भी आपने उनकी दासी बनना स्वीकार क्यों किया? ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ विंता, कि मेरे छल के बारे में जानकर भी तू मेरी दासी क्यों बनी? वो शर्त आप जीती थी माँ, फिर भी आपने उनकी दासी बनना स्वीकार क्यों किया? क्योंकि ये मेरा पश्चाताप था। भले ही कद्रू दीदी धोखे से वो शर्त जीती थी, पर शर्त लगाकर जुआ खेलने का महापाप तो मैंने किया था ना, और ये पहली बार नहीं था। उससे भी पहले कई बार केवल आनंद के लिए कुछ दाव पर लगाकर युद्ध क्रीड़ा करना मेरा स्वभाव बन चुका था गरुड़।
यदि उस दिन भी मैं शर्त जीतने का प्रयास करती तो मेरा पाप और अधिक बढ़ जाता। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे दूसरे पुत्र के जन्म के समय मुझमें कोई कमी हो। अर्थात इसलिए विंता जानबूझकर शर्त हारी थी। यदि माँ में ही अवगुण होंगे तो पुत्र से धर्म के अनुसार कर्म की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। मैं स्वयं को सभी अवगुणों और विकारों से मुक्त करना चाहती थी ताकि मैं तेरे सम्मान की अधिकारी बन सकूं। इसीलिए मैंने कद्रु दीदी को वचन दिया था ईश्वर को साक्षी मानकर। तू जानता है मेरा वचन ही मेरा सत्य है और मेरा सत्य ही मेरा धर्म। मैं अपने धर्म से विमुख नहीं हो सकती गरुड़। और मां पश्चाताप के लिए पूरा जीवन एक दासी के रूप में क्यों? इस विषय में मुझे कोई बात नहीं करनी। तू जानना चाहता था ना तेरी मां दासी कैसे बनी, तो वो तू जान चुका है। अब ये भी मान ले तेरी मां अपने प्राण त्याग देगी पर अपना धर्म कभी नहीं त्यागेगी और ना ही अपना वचन तोड़ेगी। ये तो मैं जानती थी कि विंता तेरे लिए वचन और धर्म सर्वोपरि है और तेरी इसी विवशता का लाभ उठाऊंगी मैं। अब तू जाकर सो जा, मुझे भी विश्राम करने दे। जब माँ ही नहीं चाहती तो इन्हें दासता से मुक्त कैसे कराऊंगा मैं? चिंता मत कीजिए दीदी, मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगी। तेरी चिंता नहीं है मुझे, किंतु तेरा पुत्र, वो भी आपको या आपके पुत्रों को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। तू इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती है? जब तेरा पुत्र तुझे बिना बताए वैकुंठ जा सकता है, असुरों के साथ युद्ध कर सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। बहुत शक्तिशाली है वो और उत्तरदायी भी है। वो अपनी शक्ति का प्रयोग किसी अनुचित कार्य के लिए कभी नहीं करेगा। उसमें मेरे संस्कारों के साथ साथ अपने पिता के गुण भी हैं। देखिए उसे, इतना कुछ जानने के बाद भी कितनी शांति से चैन की नींद सो रहा है। दीदी, हम दोनों उन महर्षि कश्यप की पत्नियां हैं जो जल में रहकर भी कमल की तरह निरासक्त हैं। जैसे कमल जल के भीतर रहकर भी जल की एक बूंद से भी अछूता रहता है, वैसे ही हमारे स्वामी भी सांसारिक विषयों से विमुख रहते हैं। ये सब मुझे ज्ञात है, तू वो बता जो तुझे लगता है कि मुझे नहीं पता है। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि आपको हमारे स्वामी से प्रेरणा लेनी चाहिए। यदि आप हर समय अपने पुत्रों की सुरक्षा की चिंता में डूबी रहेंगी तो आपको शांति कैसे मिलेगी? आपको स्मरण है दीदी, दीदी जब संतान प्राप्ति की इच्छा से स्वामी के पास गई थी तो क्या हुआ था? क्या हुआ था? सूर्यास्त की बेला थी और स्वामी तपस्या में लीन थे।
कही देवी, कल्याण हो। स्वामी, मुझे अदिति दीदी की तरह संतान चाहिए। तथास्तु। स्वामी, मुझे अभी चाहिए। अभी? अभी अभी तो सूर्यास्त हुआ है देवी, और यह उचित समय नहीं है संतान धारण करने के लिए। इस बेला में संतान धारण करने से उनमें तामसिक गुण आ जाते हैं देवी, और बड़े होने पर उनमें दुष्ट प्रवृत्ति पूरी तरह से छा जाती है। इसलिए हमें उचित समय की प्रतीक्षा करनी होगी, ताकि आप केवल तन से ही नहीं मन से भी चरित्रवान और शक्तिशाली पुत्रों को प्राप्त कर सके, जो सदैव अपने धर्म के मार्ग पर चले। नहीं स्वामी, नहीं, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती। तू मुझे जितना भी समझा ले विंता, किंतु मेरे पुत्रों का ही सर्वस्त्र राज होगा, जो अगर उनके जीवित होते हुए संभव नहीं है। अभी अभी तो सूर्यास्त हुआ है देवी, और यह उचित समय नहीं है संतान धारण करने के लिए। इस बेला में संतान धारण करने से उनमें तामसिक गुण आ जाते हैं देवी, और बड़े होने पर उनमें दुष्ट प्रवृत्ति पूरी तरह से छा जाती है। नहीं स्वामी, नहीं, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती। पति के समय पर पत्नी का भी कुछ अधिकार अवश्य होता है, और पति पत्नी के संबंधों में पत्नी की इच्छा का सम्मान होना चाहिए। स्वामी, यदि यही आपकी इच्छा है देवी, तो हम अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करेंगे। जैसा उन्होंने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। असुरों में जन्म से ही तामसिक गुण थे, वो स्वभाव में क्रूर थे और दूसरों की पीड़ा में ही आनंद लेते थे। उन्हें अनुशासन में रखना दिति दीदी के लिए भी कठिन था। पिता होने के नाते स्वामी ने देवों और दानवों को समान रूप से धर्मशास्त्रों का अध्ययन कराया। देवताओं ने अपनी शिक्षा का अर्थ भी समझा और उसे विश्व कल्याण के लिए अपने कर्म में भी उतारा। पर असुरों ने धर्म और तपस्या का मार्ग केवल तब चुना जब उन्हें ईश्वर को विवश करके वरदान लेना था, और फिर उन्होंने उस वरदान का उपयोग सदैव विनाश के लिए ही किया। जब ऐसा बार बार होने लगा तो स्वामी अपनी संतानों से निरासक्त हो गए। शिक्षा देने के बाद उन्होंने सभी संतानों को अपने कर्म के अनुसार फल भोगने के लिए छोड़ दिया। अपनी संतानों के विवादों में ना वो किसी की रक्षा के लिए बीच में आए और ना ही किसी के समर्थन के लिए। जैसे ना वो मेरे लिए आए, ना ही मेरी संतानों के लिए, है ना? मैंने ऐसा नहीं कहा दीदी। नहीं कहा, किंतु कहना यही चाहती थी ना। तेरा पुत्र वैकुंठ से लौट आया तो तू अपना स्थान भूल गई है? मत भूल कि तू एक दासी है। तू मुझे ज्ञान देने का प्रयास कर रही है, मुझसे ज्ञान ले। ध्यान से सुन, पिता निरासक्त हो सकते हैं, किंतु एक माँ अपने तन से एक नए जीवन को जन्म देती है तो वो भला अपनी संतानों के लिए निरासक्त कैसे हो सकती है? उसकी केवल इतनी ही कामना होती है कि उसके पुत्रों का भविष्य उज्जवल हो। वो केवल इतना चाहती है कि उसके पुत्र शक्तिशाली हो, समस्त संसार का सुख भोगे और सब पर राज करे। माँ होने के नाते मेरे पुत्रों के लिए जो आवश्यक होगा मैं वो सब करूंगी। पर दीदी, महारानी, महारानी हूं मैं। इसके पहले कि मेरी क्रोध की सीमा पार हो, चली जाए यहां से।
माँ, महारानी, भी माता ही सही, किंतु माँ तो मैं भी हूं ना। क्या देख रहा है तू? अपना सौभाग्य। मैं उन्हें देख पा रहा हूं जिन्हें देखना दुर्लभ है। मुझे प्रभु श्री विष्णु के दर्शन मिल रहे हैं महारानी। मुझे तो वहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तुझे प्रभु कहां से दिखाई दे रहे हैं? जब से मैं वैकुंठ में उनके दर्शन करके आया हूं, तब से जब भी मेरा मन थोड़ी देर के लिए स्थिर होता है तो मुझे सभी वस्तुओं में, वातावरण में, चारों दिशाओं में बस प्रभु ही दिखाई देते हैं। किंतु ये कैसे संभव है? जब मन में शंका का अंधेरा नहीं, भक्ति का प्रकाश निवास करता हो तो सब कुछ संभव है महारानी। मेरी आंखों से देखो, वो जो छोटा बादल दिख रहा है वो मेरे प्रभु के शीश का मुकुट है, और उसके नीचे जो एक हल्का बादल है वो उनका श्याम सुंदर मुख है। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, शिव उसके लयंकर है जिनमें सब लय हो जाता है, प्रलय भी उन्हीं में है और विलय भी उन्हीं से है। पर प्रभु विष्णु, आप समस्त संसार में व्याप्त हैं, कणकण में वास करते हैं, आप हमारे पालन करता है प्रभु। जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है तब आप अवतार लेते हैं ताकि अधर्म का नाश हो और धर्म की पुनर्स्थापना। आप महान है प्रभु, आप महान है। महारानी, आप श्री नारायण के बारे में इतना कैसे जानती हैं? तुझे क्या लगता है, बस तेरी मां को ही नारायण के बारे में पता है? मेरी तरह महारानी भी दक्ष पुत्री है। प्रभु भक्ति हमारे पूरे परिवार की रंगों में रक्त की तरह बहती है। एक सत्य बताऊं तुझे, बचपन में विष्णु जी के पहले अवतार की कथा इन्होंने ही सुनाई थी मुझे। विष्णु जी का अवतार? सत्य मां, प्रभु ने पृथ्वी में जन्म लिया था। पर कौन सा अवतार मां, और क्यों? प्रभु विष्णु कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए और बुराई को मिटाने के लिए तथा धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए वो प्रकट होते हैं। महारानी, मुझे इस कथा को जानने की बहुत इच्छा हो रही है। हम सभी सुनना चाहते हैं महारानी, और आपसे अधिक सुंदर ढंग से इस कथा को और कोई नहीं कह सकता। सुनाइए ना। ठीक है।
त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ समन्वय में अपना अपना कार्य करते हैं ताकि ये संसार सुचारू रूप से चल सके। मानव के समय के अनुसार 6 माह का 1 अयन होता है, वर्ष में 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायण। एक उत्तरायण देवताओं के लिए 1 दिन के बराबर होता है और एक दक्षिणायन 1 रात्रि के बराबर। इसी प्रकार जब देवताओं के 12 सहस्त्र दिव्य वर्ष पूरे होते हैं तब पूरा होता है चतुर्युग। चतुर्युग 4 युग अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसे 1 सहस्त्र चतुर्युगों के बराबर ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है और वो दिन समाप्त होने पर नैमित्तिक प्रलय होती है, समस्त सृष्टि का विनाश हो जाता है, भूलोक, भूर्वलोक, स्वर्गलोक सब नष्ट हो जाते हैं। और इस महाप्रलय के बाद ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर उनकी 1 रात्रि होती है और ये रात्रि बीतने के बाद सृष्टि के विकास की यात्रा फिर से प्रारंभ होती है, फिर से नया जीवन जन्म लेता है, फिर से संसार 4 युगों में बंटता है और ये समय का क्रम यूं ही चलता रहता है लगातार जब तक ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे नहीं हो जाते। तब तक हे ईश्वर, समय इतना विशाल है, इतना वृहद है, इसकी तो कल्पना भी नहीं थी मुझे। सचमुच में पृथ्वी का ऐसा विभाजन, सृष्टि की यात्रा अद्भुत है। विकास विनाश, सृष्टि और संहार, ये जीवन का अटल नियम है। समय समय पर इन्हें होना ही होता है, तभी तो संसार का संतुलन बना रहता है। ऐसे ही एक समय आया था प्रलय का, जब धरती पे महाराज सत्यव्रत शासन कर रहे थे। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। महाराज सत्यव्रत, मत्स्य मुझसे तुम बात कर रहे हो? जी महाराज, मैं आपकी शरण में, मेरी रक्षा कीजिए। सत्यव्रत अपने धर्म का पालन अवश्य करेगा। ऐसा कहकर महाराज सत्यव्रत ने उस मत्स्य को अपने कमंडल में रख लिया। पर शीघ्र ही उस मत्स्य के आकार में वृद्धि हो गई और कमंडल उसके लिए छोटा पड़ने लगा। तब महाराज को एक बार फिर उस पर दया आई और उन्होंने उस निरीह प्राणी को कमंडल से निकालकर एक बड़े पात्र में डाल दिया। एक दिन तीव्र ध्वनि से चौंक कर जब महाराज उस कक्ष में आए तो उन्होंने देखा कि वो बड़ा पात्र भी उस मत्स्य को समा पाने में सक्षम नहीं था। मत्स्य का आकार और भी बढ़ चुका था, पात्र टूट चुका था और मत्स्य अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। अब महाराज के सामने उसे समुद्र में पहुंचाने के सिवा और कोई चारा ना था। जैसे ही मत्स्य ने उस अनंत जलराशि वाले समुद्र में प्रवेश किया, अचानक वातावरण बदल गया। बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे
अंधकार और प्रकाश के संयोग से अलौकिक दृश्य छा गया और महाराज सत्यव्रत को उस मत की महिमा का आभास हो गया। आप कोई साधारण मत से नहीं है, अवश्य ही कोई दिव्य आत्मा है। अपना सच्चा स्वरूप दिखाने की कृपा कीजिए देव। प्रणाम प्रभु। हे राजन, ये समस्त संसार 7 दिन के बाद नष्ट हो जाएगा। असुर हयग्रीव ने वेदों को चुरा लिया। अज्ञान की कालिमा और उससे उत्पन्न हुई दुष्टता चारों ओर फैल गई है। संसार में अधर्म और पाप छाया हुआ, इसलिए मैंने हयग्रीव के प्राणों का अंत करने के लिए और उसके द्वारा फैलाई गई बुराई को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए मत्स्य रूप में यह अवतार लिया। आज से ठीक 7वें दिन पृथ्वी पर विनाश का तांडव होगा। भयानक वर्षा होगी, समुद्र का जलस्तर इतना अधिक बढ़ जाएगा कि पूरी पृथ्वी उसमें डूब जाएगी। ऐसा विध्वंस होगा कि 10ों दिशाओं में जल के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए हे राजन, आपको एक ऐसी विशाल नाव का निर्माण करना होगा जिसमें सभी प्रकार के वृक्षों, वनस्पति के बीजों, जड़ी बूटियों, पशु पक्षियों और सप्तऋषि आदि को उस नाव में एकत्रित करना होगा और उसके बाद उस नाव को मेरे मत्स्य अवतार के साथ बांधना होगा ताकि प्रलय काल में मैं आप सबकी रक्षा कर सकूं। कालांतर में जब सृष्टि का सृजन होगा तब उस नए संसार की आप प्रजापति कहलाएंगे। नाश के मध्य जीवन के संरक्षण और विकास का दायित्व आपको ही निभाना होगा। मां, वो पढ़ ले ठीक है से? और मां, विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लेकर सबको मृत्यु के मुख से सुरक्षित बाहर कैसे निकाला, ये भी बताइए ना। प्रभु विष्णु के आदेश से प्रेरणा पाकर महाराज सत्यव्रत ने एक विशाल नाव बनाई। तभी अचानक वातावरण बदलने लगा, सूर्य की किरणें बरसने लगी और उसके भीषण ताप के प्रभाव से पेड़ पौधे जलने लगे। हयग्रीव चारों वेदों के साथ समुद्र में छुपा था, तभी प्रभु विष्णु आधे मानव और आधे मत्स्य अवतार में उसके सामने आए। उन्हें देखकर हयग्रीव उनकी दृष्टि से ओझल होने का प्रयास करने लगा, किंतु मत्स्य की गति अधिक थी। वो जिस दिशा में जाता मत्स्य उनके सामने आ जाता। अब असुर घबराने लगा, शीघ्र ही ज्वालामुखी फटने लगा, पिघला हुआ लावा अपने मार्ग में आने वाली हर वस्तु को जलाने लगा, पहाड़ों पर हिम पिघलने लगी
और फिर आई हिम की आंधी। उधर हैग्री उस विशाल मत्स्य को देखकर चिंतित था, अपने दिव्यस्त्रों से बार बार वो उन पर प्रहार करने लगा। तभी मत्स्य ने अपना मुंह खोला और सारे तीर भाले अस्त्र शस्त्र सब अपने मुख में समा लिए। ये देखकर हैग्री व्याकुल उठा, उसके हाथ से छूटकर चारों वेद नीचे गिरने लगे। इसके पहले कि समुद्र तल की गहराइयों में वो सदैव सदैव के लिए खो जाते, मत्स्य ने गोता लगाकर उन्हें अपने मुख में रख लिया। क्रोधित हैग्रीव उन पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहा था, तभी प्रभु ने मत्स्य अवतार लेकर एक ही बार में उस असुर का पेट चीर कर उसका वध कर दिया। हैग्रीव का वध होते ही अन्य पशु, राक्षस, दानव और बुरी शक्तियां तड़प तड़प कर अपने प्राण त्यागने लगी। धरती पापियों के बोझ से मुक्त हो गई थी। आपकी कथा सुनकर मुझे परम सुख और शांति की अनुभूति हो रही है, किंतु माँ की दास्ता का भार अभी मेरे मन को खाए जा रहा है। कृपा करें महाप्रभु। मेरी माँ को इस दास्ता से मुक्त कराने में मेरी सहायता करें।